नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे आप बारकोड टेंडर सॉफ्टवेयर का यूज करके किस तरह से बारकोड डिजाइन करेंगे अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए। जितने भी डिपार्टमेंट स्टोर्स वाले हैं, ऑनर्स हैं, या मॉल जिनके हैं वो ऑनर्स हैं, जो लूज प्रोडक्ट पैकिंग करते हैं, यानी बल्क में आपने प्रोडक्ट खरीदा उसकी पैकिंग खुद करते हैं, तो उसके बारकोड किस तरह से डिजाइन करेंगे बारटेंडर सॉफ्टवेयर का यूज करके, और किस तरह से उसका पीआरएन जनरेट करेंगे। और पीआरएन जनरेट करने से आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज करें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पीआरएन को इंटीग्रेट करके डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं बारकोड प्रिंटर के थ्रू। और उससे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह कितने तरह के बारकोड इंडियन कॉन्टिनेंटल में यूज होते हैं। और इंडियन कॉन्टिनेंटल में जो मोस्टली बारकोड फॉर्मेट है वो EAN30 यूज होता है, और EAN8। EAN13 में 13 डिजिट का बारकोड होता है। ऑलमोस्ट सभी कंपनी के प्रोडक्ट में 13 डिजिट का बारकोड प्रिंट होता है। और जो छोटे रैपर्स होते हैं, लाइक टॉफी का रैपर्स हो गया, च्युइंगम का रैपर्स हो गया, उनमें जो बारकोड होता है वो EAN8 होता है, यानी 8 डिजिट का बारकोड उसमें होता है। और जो यूपीसी वाले बारकोड होते हैं वो यूएस कॉन्टिनेंटल में ज़्यादा यूज होते हैं, वहाँ पे ही यूज़ किया जाता है। जो भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उनमें यूपीसी बारकोड यूज होते हैं। अगर आप अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए कोई बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोड 128 यूज करेंगे। जो कोड 128 होता है वो अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स को कंटेन करता है, जिसमें डिजिट भी आती हैं और कीवर्ड्स भी आते हैं, और उसके साथ साथ जो एक्सप्रेशंस होते हैं लाइक पंक्चुएशन मार्क्स और क्वेश्चन मार्क्स, इन तरह के एक्सप्रेशंस को भी आप कोड 128 में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अस्काई करेक्टर्स के 128 करेक्टर्स यूज होते हैं। कोड 128 मींस जो भी अस्काई करेक्टर 128 होते हैं वो सब आप कोड 128 बारकोड फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से बारटेंडर सॉफ्टवेयर का यूज करके बारकोड डिजाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बारकोड टेंडर का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, बारटेंडर अल्ट्रालाइट। कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेंगे व्हाट यू वुड लाइक टू डू, तो स्टार्ट अ न्यू बार कोड टेंडर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैंक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सब स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। यहाँ ऑलरेडी 15x25 का टेम्पलेट साइज है, जिसकी विड्थ दे रखी है 99.9 mm एंड 25 mm जो है हाइट है। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। अब यहाँ देख पा रहे होंगे ये 100 mm के साइज का एक ब्लैंक टेम्पलेट आपको आ गया। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई टेक्स्ट डालना हो जहाँ आपके फर्म का नाम आए, तो यहाँ पे देखिए ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ऑप्शन आएगा सिंगल लाइन, मल्टी लाइन या सिम्बोलिक फॉन्ट करेक्टर। तो हम अगर टेक्स्ट डालेंगे सिंगल लाइन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप इसको सेट करने के बाद जो भी फर्म का नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फर्म का नाम लिखने के बाद आप इसको मिडिल में सेट कर देंगे, मिडिल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ अलाइनमेंट ये रखना है कि ये 2 कॉलम का बारकोड है, तो 50x25 का एक स्टिकर का साइज है, तो आपको साइज को अकॉर्डिंग टू दिस सेलेक्ट करना है कि आप इस 50 के अंदर ही रहें। और यहाँ पे भी आप साइज को थोड़ा सा इधर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप इसी को दूसरी जगह दूसरे साइड पे प्रिंट करना चाहते हैं सेम थिंग को, तो आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे इसका साइज भी 50 से अंदर रहना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मार्कअप कहाँ जा रहा है, ये लाइन जो ऊपर जा रही है इसको भी आप 50 के अंदर ही रखेंगे। यहाँ से इसको इस तरह से आप फर्म का नाम लिख देंगे। अब उसी तरह से जो प्रोडक्ट का नाम है वो भी आप लिखेंगे कि किस प्रोडक्ट के लिए आप प्रिंट कर रहे हैं। सिंगल लाइन लेंगे फिर से, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट का नाम है लाइक कॉफी 100 ग्राम, इस तरह से प्रोडक्ट का आप नाम लिख देंगे। इसको भी आप सेट कर सकते हैं सेंटर में।
बहुत इजीली तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत इजी तरह से कोई भी जो भी ओनर है या ऑपरेटर है जो भी ग्रोसरी स्टोर में है, बहुत आसान तरीके से इसको डिज़ाइन कर पाएंगे। इसको फिर से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे ये सेट हो गया। इसके साइज को आप प्रॉपर्टी में जाकर भी कम कर सकते हैं कि आपको कुछ फॉन्ट वॉन्ट चेंज करना हो तो फॉन्ट भी चेंज कर पाएंगे। साइज भी अगर चेंज करना हो तो आप साइज चेंज कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इसका। अगर कुछ आपने फॉन्ट चेंज करना हो तो आप वो फॉन्ट भी लगा पाएंगे, लाइक कैलिबरी ले लिया इस तरफ तो आप ये देखिए कैलिबरी फॉन्ट हो गया। इस तरह से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट की बारकोड लगाना हो तो आप यहाँ पे कोड 128 लेंगे, जो जनरल पर्पस बारकोड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साइज को भी हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इस तरह से छोटा हो गया। इसको ही पेस्ट कर लेंगे इस तरफ सेम। अब अगर आपको बारकोड का नंबर चेंज करना है तो वो आप कर पाएंगे। यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे जो डेटा सोर्स है इसमें नंबर लिखा होता है, यहाँ पे आप नंबर को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से कुछ नंबर बारकोड का दे दिया, उसी तरह से इस साइड वाले जो बारकोड है उसका नंबर भी आप चेंज कर पाएंगे। अगर आप सेम प्रोडक्ट है तो सेम ही रह देंगे बारकोड को। अब अगर आपको पैकेजिंग डेट डालनी है तो पैकेजिंग डेट के लिए भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो भी पैकेजिंग डेट हो पैकेजिंग डेट डाल सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे स्पेस कम हो रहा हो तो आप इसको रोटेट भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पोजीशन दे रखी है, अगर आपको एंगल के थ्रू इसको रोटेट करना हो कि 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे ही रोटेट हो जाएगा, जो आप बारकोड के साइड में प्रिंट ऐसे करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरह से इसके साइज को कम या ऊपर नीचे कर सकते हैं, अलाइनमेंट पोजिशन सही हो सेट हो जाएगी। उसी तरह से आप इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ आप इसके किसी भी टेक्स्ट के रोटेशन को चेंज कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। अगर आपको बेस्ट बिफोर डेट प्रिंट करानी हो या बेस्ट बिफोर डेज प्रिंट करानी हो तो भी आप प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे BBD बेस्ट बिफोर डेज और 16, या ये ले सकते हैं बेस्ट बिफोर की जगह यूज्ड बाई। Used by 10, 2021 ये भी लिख पाएंगे यहाँ पे आप। अब इसको अगर आपने साइज को कम करना हो तो साइज यहाँ से आप कम कर पाएंगे, इसके साइज को आप कम कर सकते हैं, ऐसे भी कम कर सकते हैं आप इसको साइज को इस तरह से। फिर पेस्ट करके आप इस तरफ भी बारकोड में लगा सकते हैं कि एक साथ जब प्रिंट होंगे तो दोनों साइट इस तरह से एक साथ ही प्रिंट होगी, क्योंकि ये सिंगल रोज के टू कॉलम का बारकोड का सैंपल है, टेम्पलेट है, तो आप इस तरह से इसको डिज़ाइन कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। अगर इसके अलावा आप ये भी देखना चाहते इससे प्रिंट करना चाहते हैं कि कंपनी कौन सी है या जो, तो वो कंपनी भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। इस तरह से आप कंपनी भी प्रिंट करा पाएंगे। अगर आपको इसके अलाइनमेंट पोजीशन को चेंज करना हो तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसके एंगल को आप 90 डिग्री पे चेंज कर सकते हैं, या आप इसे 90 डिग्री नहीं इसको 270 डिग्री करते हैं, 270 डिग्री पे चेंज करके आप इसे
यहाँ पर इस तरह से लिख पाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पेस्ट कर देंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको वो इमेज यहाँ पिक्चर इंसर्ट करनी हो इस कॉफ़ी की, तो वो भी आप पिक्चर पे इंसर्ट कर पाएंगे। पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट फ्रॉम फाइल। इंसर्ट फ्रॉम फाइल में क्लिक करने के बाद ये पिक्चर है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। आप इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो आप इसके कॉर्नर्स को ड्रैग एंड कॉर्नर्स को, इनके कॉर्नर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इस तरह से यहाँ ये भी पेस्ट हो गया। अब ये 150 ग्राम का था तो यहाँ 150 ग्राम कर देते हैं, इसको भी 150 ग्राम कर देते हैं। देन उसको यहाँ से कॉपी करके अगर दूसरी साइड भी पेस्ट करना हो तो इस तरह से यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी इमेज लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप बारकोड डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेट करनी हो तो वो भी आप सेट कर पाएंगे। अगर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर डालना हो या ऐसा कुछ करना हो तो भी आप यहाँ पे डाल पाएंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ, या इसके भी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके 90 डिग्री की पोजीशन पे इसको ले आता हूँ, 90 डिग्री की पोजीशन पे, और इसकी प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देता हूँ और इसको भी 90 डिग्री की पोजीशन पे ले आता हूँ। इस तरह से अब इसका अलाइनमेंट सही कर देता हूँ। इस तरह से आप अलाइनमेंट सही कर देंगे, दोनों के अलाइनमेंट इस तरह से हो जाएंगे सही। और उसके अलावा अब अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना हो तो आप यहाँ पर सिंगल लाइन देंगे और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है वो आप डाल सकते हैं। कॉर्नर्स को कम या ज़्यादा करने के लिए कॉर्नर्स के साइड से इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उस तरह से इसी को यहाँ पे कॉपी करके और इस तरफ जो है पेस्ट कर देंगे तो दोनों साइड से ही डिज़ाइन बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बार टेंडर का यूज़ करके बारकोड डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, बारकोड का नंबर चेंज कर सकते हैं। जब आपको इसकी पीआरएन जनरेट करनी हो तो पीआरएन जनरेट करने के लिए फाइल में जाएंगे और प्रिंट पर जाएंगे। प्रिंट पर जाके यहाँ पे प्रिंट टू फाइल पे टिक करना है, अगर टिक नहीं है तो प्रिंट टू फाइल पर टिक करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन पूछेगा किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं। ब्राउज करके वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और जिस भी नाम से आपको सेव करना हो वो नाम यहाँ पे आप दे देंगे और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे और देन प्रिंट पे क्लिक करते ही इसकी पीआरएन जनरेट हो जाएगी। तो आप जब डेस्कटॉप में देखेंगे, ये देखिए इसकी पीआरएन बन गई। इस पीआरएन को आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करना है और अपने प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है और प्रिंट कमांड दे दीजिए तो वहाँ से भी डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट करना है तो आप पियाना जनरेट करके किसी अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देगा। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप और चेंजेस इसमें कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आप बारकोड डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरह से आप बारकोड टेंडर के थ्रू बारकोड डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।